नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव, आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। हम सभी स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। हमारे स्मार्टफोन में कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है कि इनका यूज़ कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट ड्यूल सिम के बारे में बताऊँगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि हमें ये फीचर क्यों यूज़ करना चाहिए, तो इसका जवाब मेरे पास में बस यही है कि मान लीजिए कि आप कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया में हैं और कोई आपको कॉल कर रहा है तो आपको कॉल रिसीव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके SIM2 में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अगर ये फीचर आपके फ़ोन में इनेबल है तो SIM2 की कॉल आपके SIM1 पर फॉरवर्ड हो जाएगी। और सेम कंडीशन में मान लीजिए आपके SIM1 पर नेटवर्क नहीं है तो आपके SIM1 की कॉल SIM2 पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ हम क्यों करें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आपको ऐप्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सिम कार्ड मैनेजर। और यहाँ सबसे नीचे आपको मिलता है एक ऑप्शन स्मार्ट ड्यूल सिम, तो इस पर हमें क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे नंबर एंटर करना होगा। आप देख सकते हैं कि SIM कार्ड 1, तो जो SIM कार्ड 1 का नंबर है, जो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। वैसे ही SIM2 में भी आपको यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे दोनों ही सिम कार्ड को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके SIM कार्ड 1 की कॉल SIM कार्ड 2 पे फॉरवर्ड हो तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि SIM 2 की कॉल SIM 1 पर फॉरवर्ड हो तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही सिम कार्ड को सेलेक्ट किया है, तो चलिए यहाँ पे फिनिश पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है कि ये एक्टिव हो गया है। ओके पर क्लिक करते हैं। अब कभी आपको अगर इससे डिसेबल करना है तो स्मार्ट ड्यूल सिम पर फिर से क्लिक करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस समय ऑन है, तो जो बटन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसे ऑफ करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने डिसेबल कर दिया है। तो इस तरह से आप इसे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।